तो कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति शर्मा, कुक विद श्रुति चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको टमाटर की मीठी चटनी बनाना बताऊंगी। आइए हम जानते हैं इसकी सामग्री। ये मैंने टमाटर लिया है आधा केजी के लगभग, जिसे मैंने धो के महीन महीन काट लिया है। ये सरसों का तेल, मैं गुड़ डालूंगी मीठे की जगह, आप चाहे तो आप चीनी भी डाल सकते हैं। ये आधा गुड़ है जिसे मैंने मैश कर लिया है। लाल मिर्च पाउडर, काला नमक, ये अदरक के लच्छे हैं, और हल्दी और सादा नमक। ये मैंने जीरा, मंगरेल, मेथी और सौंफ, ये मैंने राई ली है, और चुटकी भर मैंने हींग ली है। एक चम्मच मैंने सौंफ लिया है, और आधा चम्मच राई, और आधा चम्मच मैंने जीरा लिया है, और चौथाई चम्मच मैंने मंगरेल और मेथी ली है। तो आइए हम बनाते हैं टमाटर की मीठी चटनी। ये देखिए, मैंने पैन गैस ऑन करके चढ़ा रखा है। ये देखिए, अब मैं इसमें 2 चम्मच तेल डाल दूंगी, और मैं इसे गरम कर लेती हूँ। देखिए, हमारा तेल गरम हो चुका है, और मैं गैस की आंच धीमी कर देती हूँ, और मैं जो सब मसाले हैं वो मैं इसमें डाल दूंगी, और मैं इसे ढक दूंगी। अब मैं इसमें जो मैंने टमाटर काटा था मैं डाल देती हूँ। मैं इसे अच्छे से मिला दूंगी। अब मैं इसमें नमक स्वाद के अनुसार, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चम्मच, काला नमक 1/2 चम्मच डाल के मैं अच्छे से मिला के, और मैं इसे टमाटर गलने तक धीमी आंच पे पका लूँगी। ये देखिए, हमारा टमाटर गल चुका है। अब मैं इसमें ये गुड़ डाल देती हूँ। और मैं इसे अच्छे से पका लेती हूँ गुड़ गलने तक। ये देखिए, हमारा गुड़ एकदम गल चुका है, टमाटर में मिल चुका है। हमारी चटनी तैयार है। अब मैं इसमें ये अदरक डाल देती हूँ। टमाटर की मीठी चटनी में अदरक बहुत ही टेस्टी लगता है। अब मैं इसे ज़्यादा खौलाऊँगी नहीं। अब ये रेडी हो चुकी है। अब मैं गैस बंद करके इसकी प्लेटिंग करती हूँ। देखिए, टमाटर की मीठी चटनी तैयार है। तो आप भी खाइए और दूसरों को भी खिलाइए। तो हम फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय।